अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चौथी जमात की अमली किताब सेब के सफ़ात 13 और 14 मुकम्मल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, सफ़ा नंबर 13 खोलिए। हमारा आज का उन्वान है कलमा और महमल। कलमा किसे कहते हैं? बा मायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी जिन अल्फाज के मतलब होते हैं, बा मायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी जिन अल्फाज का कोई मतलब होता है उन्हें हम कलमा कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, मेज़ वगैरह। और महमल किसे कहते हैं? जिन अल्फाज का कोई मतलब नहीं होता महमल कहलाते हैं, और ये अल्फाज कलमे के बाद आते हैं, यानी कलमे के बाद ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसमें से आपने कलमा अलग करना है और महमल अलग करना है, ठीक है? पहला जो लफ्ज़ है वो है खाना वाना। अब देखें, इसमें खाना जो है वो तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वाना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। तो खाना क्या हुआ? कलमा। और वाना क्या है? महमल, यानी जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम कलमा क्या लिखेंगे? खाना। और महमल क्या हुआ? वाना। दूसरा लफ्ज़ है दाना, दुनका। तो दाना जो है वो क्या है? कलमा। और दुनका जो है वो है महमल। मेल कुचेल, मेल जो है वो कलमा है, कुचेल जो है वो महमल है। उलट पलट, कलमा जो है वो उलट है, महमल जो है वो पलट है। काम वाम, कलमा है काम, महमल है वाम। खर्चा वर्चा, खर्चा जो है वो कलमा है और वर्चा जो है वो महमल है। अब हम अगली मश्क की तरफ आते हैं। नीचे दिए गए कलमे के महमल लिखिए, यानी आपको यहाँ पर कलमे दिए गए हैं, आपको इन तमाम अल्फाज के महमल लिखने हैं। धूम का महमल क्या होगा? धाम, ठीक ठाक, शोर शराबा। सच मुच, झूठ मूठ, गोल मटोल। प्यारे बच्चों, इस तरह आपका सफ़ा नंबर 13 मुकम्मल हुआ। बच्चों, सफ़ा नंबर 14 खोलिए। अगला उन्वान है हमारा फाइल। फाइल किसे कहते हैं? किसी काम के करने वाले को फाइल कहते हैं, यानी जुमले में जो भी काम करने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? फाइल। मश्क देखते हैं। इबारत पढ़िए और फाइल तलाश करके लिखिए। ये हमें एक इबारत दी गई है, इसे हमने पढ़ना है और हर जुमले में हमने उस जुमले से जो है वो फाइल को तलाश करके लिखना है, ठीक है? मेंढकी तालाब में नहा रही थी। इस जुमले में फाइल क्या है? मेंढकी। मछलियाँ तैर रही थी, फाइल है मछलियाँ। बत्तख सो रही थी, फाइल क्या है? बत्तख। मेंढकी के बच्चे तालाब के किनारे छुपन छुपाई खेल रहे थे। रिंकू मिंकू और डिंकू तो सब छुप गए, ठीक है? यहाँ पर ये जो तीनों नाम जो हैं वो किसके हैं? मेंढकी के बच्चों के। तो वो हम तीनों नाम यहाँ पर लिखेंगे, रिंकू मिंकू डिंकू। लेकिन टिंकू को छुपने की कोई जगह नहीं मिली, वो बेचारा मगरमच्छ के मुंह में जाकर छुप गया। यहाँ पर फाइल क्या है? मगरमच्छ। अब उसे ढूंढे कैसे? मेंढकी जोर जोर से रोने लगी। एक मक्खी ने मेंढकी को रोते हुए देखा तो चुपके से मगरमच्छ की नाक में घुसकर उसे गुदगुदी करने लगी। यहाँ पर हमारा फाइल क्या है? मक्खी। मगरमच्छ को जोर की छींक आई और मुन्ना सा टिंकू टटराता हुआ दूर जा गिरा। इस तरह आपकी ये मश्क भी मुकम्मल हुई। बच्चों, अब आपकी जो अगली मश्क है ये बिल्कुल आसान है और आपने ये होमवर्क में खुद करनी है। मश्क क्या है आपकी वो मैं आपको समझा देती हूँ। अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाना और खत्मा लगाना। अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके जुमले लिखिए, खत्मा भी लगाइए। ये अल्फाज हैं आप दिए गए हैं आपको, ये बेतरतीब हैं, आपने इनको तरतीब से लिख कर जुमला मुकम्मल करना है, ठीक है? जैसे भौंक रहे हैं कुत्ते, उड़ रहे उड़ हैं परिंदे,